Hi friend, I'm Sameer Singh. I just welcome you in your own YouTube channel, Saraswati English Classage. आज लेकर आया हूँ मैं इंडिगो लेसन 5 फ्लैमिंगो का. इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती. पहले कहानी के बारे में जानने से पहले चलते हैं अबाउट द राइटर के बारे में जाने. राइटर इज लुइस फिशर. लुइस फिशर जो बॉर्न हुए थे, ही वॉज बॉर्न ऑन 29 फरवरी 1896. फिलाडेल्फिया एक जगह है, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूएसए का. तो ये यहाँ पैदा हुए थे. डाइट की बात करें तो ही वॉज डाइट ऑन 15 जैन 1970 प्रिंसटन न्यू जर्सी में. नोटेबल वर्क किसके कारण वो प्रसिद्ध थे, वो है गांधी एंड स्टेलिन. स्टेलिन और गांधी नाम का एक इन्होंने बुक लिखा था 1947 में, उसी समय जो भारत जो था वो स्वतंत्र हुआ था. सेकेंड जो है बहुत सारे लिखे थे, बट यहाँ पे नोटेबल वर्क के बारे में बात की जा रही है. सेकेंड है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये 1950 में पब्लिश हुआ था. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ही लिया गया है ये इंडिगो, यानी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक बुक से ली गई है. ये एक्सर्ट है, एक्सर्प्ट है. इट हैज बीन टेकन, यानी इंडिगो हैज बीन टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी विच वॉज पब्लिश इन 1950. एक्चुअली गांधी जी के बारे में फिल्म भी बन चुकी है 1982 में. 1982 में फिल्म बना था जिसका नाम था गांधी. ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लें. वॉट वर ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर फिशर. He was not only a British army man, teacher, but also a journalist. यानी कि 1918 और 1920 में ये ब्रिटिश आर्मी में थे. बाद में इन्होंने 2 साल का टीचिंग का भी काम किया और जर्नलिस्ट का भी काम किया. अवार्ड के बारे में बात कर लें तो ये नेशनल बुक अवार्ड 1965 में पाए थे हिस्ट्री बायोग्राफी में, यानी कि बायोग्राफी लिखते थे ये, हिस्ट्री के बारे में लोगों के बारे में बात करते थे, जैसे कि यही एक हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री. तो ये नेशनल बुक अवार्ड पाए थे 1965 में. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ही केम टू इंडिया, यानी ये इंडिया में आए थे मई 1942 में. 2 महीने के लिए ये रुके थे. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आए थे ये. 1942 में इंडिया में आए थे, 2 महीने के लिए थे ये. इसमें से 1 वीक जो था ये गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे आश्रम में. आश्रम में गांधी जी के साथ ठहरे थे. गांधी जी से प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के इन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे, जिसमें आपने देखा ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी भी इसी में से एक है. हम चलते हैं अबाउट द लेसन के बारे में. अबाउट द लेसन थीम क्या है, एक्चुअली पूछी जाती है कभी कभी. थीम पूछा जाता है आपका एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. तो ये है हाउ इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्याओं से कैसे हम निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, और वो भी लीडरशिप से. तो इफेक्टिव होना चाहिए लीडरशिप. कैसे इफेक्टिव लीडरशिप गांधी जी ने दिखाया और परेशानी से उन्होंने लोगों को चंपारण की निजात दिलाया. ये एक्चुअली रियल स्टोरी है, वास्तविक स्टोरी से इसका नाता है, रिश्ता है. जो लिखा है महोदय हमारे फिशर ने, ये रियल स्टोरी है. लिखा है फर्स्ट ट्रियम्फ ऑफ एनी इंडियन ओवर ब्रिटिश रूल, यानी कि पहली बार ऐसा होता है कि कोई भारतीय जीत हासिल करता है ब्रिटिश नियमों कानूनों से. पहली बार ऐसा होता है भारत के इतिहास में. यहाँ लिखा है स्ट्रगल ऑफ गांधी जी फॉर शेयर कॉपर ऑफ चंपारण, यानी चंपारण जिले के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए गांधी जी ने संघर्ष किया. गांधी जी के संघर्षों के बारे में यहाँ बात की जा रही है. हम चलते हैं स्टोरी में, समरी में. समरी देखिए कैसा है ये समरी, कैसे है समरी, बाकी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी यहीं पर. इंडिगो लेसन के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आप ध्यान से देखिए. जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो गांधी जी हैं, खुद ही गांधी जी. सेकेंड है राजकुमार शुक्ला जो कि एक इलिटरेट शेयर क्रॉपर है चंपारण का, पढ़ा नहीं है फिर भी डिटरमाइंड है कुछ चीज़ों को करने के लिए. कहानी में आप जानोगे क्या किया इसने. थर्ड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि एक रिनोम्ड लॉयर हैं बिहार के, और यही थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. चूँकि ये 1916 की बात है, 1917 की बात है, तो फिलहाल यहाँ पर एक सिर्फ एक लॉयर थे. जो फोर्थ मेजर करेक्टर है वो है प्रोफेसर जे बी कृपलानी. ये प्रोफेसर थे एक आर्ट कॉलेज के, मिर्जापुर के. मिर्जापुर में एक आर्ट कॉलेज था, वहाँ के प्रोफेसर थे जे बी कृपलानी. और नेक्स्ट है प्रोफेसर मालकानी, ये गवर्नमेंट टीचर थे. गांधी जी जो थे यही इन्हीं के यहाँ 2 दिन ठहरे हुए थे, प्रोफेसर मालकानी के यहाँ 2 दिन ठहरे हुए थे जब वो मुजफ्फरपुर में आए थे. ये 6-7 जो है वो कस्तूरबा और देवदास हैं. कस्तूरबा जो कि इनकी वाइफ हैं गांधी जी की, और देवदास जो हैं वो इनके सबसे छोटे लड़के हैं. जो 8th करेक्टर है वो है अदर लॉयर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो बाकी लॉयर्स हैं, बाकी शेयर क्रॉपर हैं वो हैं इस पे. और जो नेक्स्ट है, जो लास्ट है, वो है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज.
ये इंग्लिश पैसिफिस्ट है और ये फॉलोवर है गांधी जी का। ये वो इंसान है जो गांधी जी को हर संभव मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। फिलहाल गांधी जी ने इससे मदद ली या नहीं ली वो आपको जाकर के मिलेगा समरी में, यानी कि आप स्टोरी जब सुनोगे तब। चलते हैं स्टोरी पर, चलते हैं हम इंडिगो की समरी में। इंडिगो की शुरुआत जो होती है वो 1916 के आसपास की है, दिसंबर 1916। एक्चुअली बात ऐसी होती है, पहले मैं आपको इंडिगो के बारे में थोड़ा सा बता दें। 1916 के आसपास की बात जो है वो ये है कि उस समय ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश ओनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारत वालों को सिर्फ एक किसान के रूप में और एक मजदूर के रूप में काम करवाना चाहते थे। ज़्यादातर जो भूभाग था, जो ज़मीनें थी, वो अंग्रेज़ों की थी, और जो इंडियन पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो एक रेंट पर काम करते थे। मानो कि वो रेंट पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे 50% जो खेती होती थी वो इंडियंस शेयर क्रॉपर्स को मिलती थी। उनका नाम शेयर क्रॉपर्स भी था क्योंकि वो क्रॉप को, अनाजों को शेयर भी करते थे। 85% जो होता था वो अंग्रेजों को मिलता था एज ए रेंट के रूप में। तो अंग्रेज जो थे वो 85% लेते थे, 50% 15% इंडियन शेयर क्रॉपर्स को मिलती थी। एक्चुअली वहाँ पर जो खेती होती थी वो मेनली इंडिगो की ही क्यों होती थी, क्यों करवाते थे अंग्रेज वो, इसलिए क्योंकि इंडिगो का डिमांड जो था वर्ल्ड में, देशों में, बाहर के देशों में वो बहुत ज़्यादा था। तो इंडिया से जो इंडिगो की खेती की जाती थी वो बाहर जाकर के उसको बेची जाती थी अच्छे दामों पर। अंग्रेज जो थे वो मजबूर किए थे इंडियंस को कि वो यही करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट था पहले से ही चला रहा, 15 और 85% का रेशियो चल रहा है। तो एक बार ऐसा होता है कि जर्मन जो होती है एक प्रकार से अपनी पैठ जमाती है इंडिगो में। एक्चुअली वो सिंथेटिक इंडिगो बना लेता है। यहाँ पे तो खेतों में पैदा हो रही है इंडिगो इंडिया में, लेकिन वहाँ पर जो है वो सिंथेटिक बना ले रहा है, कंपनी में बना ले रहा है, और वो 12 महीने का 12 महीना दे रहा है। 12 महीने के अलावा देने के वो कम दाम पर दे रहा है, यानी अंग्रेजों की जो रेट थी इंडिगो की उससे बहुत कम दाम पर जर्मन जो था वो विदेशों को बेच रहा है, और 12 महीने के 12 महीने भी दे रहा है। जबकि यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो 12 महीने उपलब्ध नहीं करवा पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो अनाज है, ये अनाज खेतों में होते हैं, और खेतों में जब तक ये बड़ा नहीं होगा, कटेगा नहीं, तब तक वो देंगे कैसे। तो 3-4 महीने तो नहीं दे पाते थे, बाकी 7-8 महीने वो दे लेते थे। लेकिन जर्मन के आने से इंडिगो की खेती पर, अंग्रेजों के पैसे पर जो वो पाते थे, कमाते थे, उस पर बहुत बड़ा, एक प्रकार से आप कह सकते हो, परेशानी का एक प्रश्न चिन्ह लगा कि अब होगा तो होगा क्या। अंग्रेज जो थे वो परेशान हो गए। अंग्रेजों ने एक मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद अंग्रेजों को बुलाया गया, अंग्रेजों को ढेर सारे बुलाया गया। बाकी अंग्रेजों ने जब मीटिंग की तो पता चला कि एक काम की जाए, एक ट्रिक ली जाए। यहाँ पर इलिटरेट चूंकि है ये, अशिक्षित है जो भारतीय हैं, जो किसान हैं, इसलिए इनके साथ कुछ और की जाए। कुछ और का मतलब है आपको बताया जा रहा है क्या की जाए, क्या किए थे ये लोग। इन लोगों ने बुलाया भारतीयों को, शेयर क्रॉपर्स को, जो वो खेती करते थे उनके यहाँ। उन लोगों से कहा गया कि देखिए 85% जो इंडिगो की खेती आप करते हो आप करो, मुझे 85% मुझे खेती चाहिए ही नहीं, यानी कि मुझे क्रॉप नहीं चाहिए, 100% का 100% तुम ले लो। बस ये है कि 50% जो इंडिगो की खेती है उसका मुझे दाम दे देना, मतलब मुझे अनाज मत देना, क्रॉप मत देना, ये नील की खेती जो है इसको मत देना, मुझे मुझे सिर्फ 50% का रेट दे देना। तो जो इलिटरेट शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें तो समझ में आया कि लग रहा है कि अंग्रेज जो है इस समय मेहरबान हो गए हैं। 85% का जो दाम होता था वो अब केवल 50% ये मांग रहे हैं, वो भी अनाज नहीं मांग रहे हैं, दाम ही मांग रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम ही बेचेंगे, हम ही पैसा पाएंगे, और जो पाएंगे पैसा हम वो ऊंचे दाम, अच्छे दाम पे मिलेगा, तो 50% के हिसाब से हम इन्हें दे देंगे। लेकिन यहां पर यह भी तय हो गया कि जो इस समय रेट है, जितने रेट पर इसमें बिक रहा है, उसी के रेट से 50% का दाम मुझे चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले कि दाम 400 रुपये है इस समय, तो बाद में ये 200 हो जाए, 100 हो जाए, तो आप 200 100 के हिसाब से देना। इस तरीके से बहुत सारे इलिटरेट जो थे किसान थे, उन लोगों ने साइन कर दिया कि चलो ठीक है हम ऐसे करेंगे। लेकिन कुछ जो थे जो इलिटरेट होने के बावजूद भी कुछ समझदार थे, जैसे कि राजकुमार शुक्ला जो इस करेक्टर्स में है आपको बताया गया है, वो इस बात से खिलाफत किया, उसने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने ऐसे खिलाफत में आवाज उठाई, लेकिन बाकी सब लोगों ने नहीं किया। उसमें क्या था, 1916 दिसंबर की बात है, कहानी में हम चलते हैं। राजकुमार शुक्ला को किसी तरीके से पता चला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल होता है प्रोग्राम, उसमें लखनऊ में गांधी जी आए हैं। गांधी जी वही लगभग उसी 1916 के आसपास में साउथ अफ्रीका से आए थे और भारत के न्यूज़पेपर्स में बहुत फेमस हो चुके थे एक दलित चैंपियन के रूप में, कि ये मसीहा है इंडियंस के।
तो राजकुमार शुक्ला जो है वो किसी तरीके से चंपारण के रहने वाले हैं, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ से राजकुमार शुक्ला जो है वो आते हैं लखनऊ में, वहाँ किसी तरीके से गांधी जी से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और ये परेशानी है, आप मेरे साथ चलिए। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरा इस दिन पर मीटिंग है, अभी मुझे कानपुर जाना है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। वो इतना रिजोल्यूट इंसान था राजकुमार शुक्ला, इतना दृढ़ निश्चय था कि वो लौट करके नहीं आया चंपारण, वो उनके साथ साथ लगा रहा। वो कानपुर गए, कानपुर जाने के बाद फिर वहां मीटिंग किए गांधी जी, वहां भी ये था। इसने कहा कि अब मुझे आप टाइम दे दीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं, अभी मुझे और भी जगह जाना है, इंडिया की बहुत सारी जगह में जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे अभी कलकत्ता जाना है 21 को, तो कलकत्ता मुझे जाना है, एक काम करो तुम वहां मिलो, वहां पर देखता हूं मैं, अगर हो पाता है तो मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगा। ये भी महोदय कलकत्ता पहले पहुंच गए, गांधी जी से पहले पहुंच गए कलकत्ता, ये राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी जब वहां गए, गांधी जी फिर से राजकुमार शुक्ला ने वो बात कही, गांधी जी जो थे वो बहुत प्रभावित हुए राजकुमार शुक्ला पर। पहला चीज इसलिए क्योंकि गांधी जी के वो जहां जहां गांधी जी जाते रहे वहां वो पीछे पीछे जाता रहा, और दूसरी चीज वो न केवल अपने लिए आया था, साथ ही साथ वो ढेर सारे चंपारण के जो जितने भी किसान थे उन सब के लिए आया था, वो केवल अपने खेती के लिए नहीं आया था वो। तो गांधी जी उससे प्रभावित हुए और कलकत्ता से सीधे ट्रेन पकड़े बिहार के लिए। बिहार पहुंचे, बिहार में पटना, आपको पता होगा पटना कैपिटल है, पटना पहुंचे, पटना रेलवे स्टेशन पर, वहां से सीधे गांधी जी जो थे वो अपने एक परिचित जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक रिनोन्ड लॉयर थे, बहुत बड़े वकील थे पटना के, राजकुमार शुक्ला गांधी जी उनके घर पहुंचे। वहाँ जो उनका नौकर था राजेंद्र प्रसाद का, उसने कहा कि मालिक इस समय नहीं है, और राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को देख करके नौकर ने सोचा कि ये दोनों जो है वो यू मैन है, किसान है, क्योंकि गांधी जी बहुत ही आप कह सकते हो सादे जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए गांधी जी को देखकर उसे लगा नहीं कि ये कोई महान इंसान है, इसलिए उसने कहा कि यहाँ पर मत बैठो, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने कहा सर अभी हम लोग बहुत दूर से आए हैं, कुछ देर बैठ जाए यहाँ पे फिर चलेंगे। तो वहाँ कुछ देर ये बैठने के लिए गए तो नौकर ने कहा कि मेरे ग्राउंड पर मत बैठो, ये पॉल्यूटेड कर दोगे, उसमें देखिएगा छुआछूत जो था वो अनटचेबिलिटी अपनी चरम सीमा पर थी। तो गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को उसने बैठने नहीं दिया, उसने कहा जाओ दूसरी तरफ जाओ। दोनों लोग उठ करके कुछ दूर जा करके वहां नीचे बैठे। वहां जाने के बाद गांधी जी को थोड़ा प्यास लगा, राजकुमार शुक्ला ने कहा ठीक है मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ, बगल में एक कुआं होता है वहां से वो पानी लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पानी को छूने की कोशिश करने जाता है वो खींचने के लिए, जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे कारण ये पूरा का पूरा सोर्स यानी कि पूरा का पूरा वेल पॉल्यूटेड हो जाएगा, कुआं ही पॉल्यूट हो जाएगा, तो ये मत छुओ यहाँ से भाग जाओ। राजकुमार शुक्ला को गुस्सा आया लेकिन वो करे क्या, गांधी जी साथ में थे, अहिंसा के परम पुजारी। दोनों लोग वहां से चल देते हैं। जैसे ही वहां से निकलते हैं पटना से, गांधी जी टेलीग्राम देते हैं मुजफ्फरपुर में, उनके एक परिचित थे जो टैगोर जी के साथ में थे, शांतिनिकेतन में मिले थे गांधी जी से, वो जिनका नाम था प्रोफेसर जेबी कृपलानी। तो प्रोफेसर कृपलानी जो थे उनको इन्होंने एक टेलीग्राम दिया कि आप एक काम करो, पता करो, देखो कि जो ये बंदा बोल रहा है राजकुमार शुक्ला वो सही है, और भी कुछ चीजें इकट्ठा करो, एविडेंस कलेक्ट करो, क्योंकि जो ये कृपलानी महोदय थे वो मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, और चूंकि आपको पता होगा उस समय कोई भी गवर्नमेंटेड जो था व्यक्ति वो किसी भी फ्रीडम फाइटर्स का सपोर्ट नहीं कर सकता था, फिर भी उन लोगों ने डेयर किया। तो गांधी जी वहां से पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां से ढेर सारे लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं। वहां वो एक और जो है गवर्नमेंट टीचर जिनका नाम है मालकानी, प्रोफेसर मालकानी के घर गांधी जी जो है वो 2 दिन तक ठहरते हैं। वहां पर दोनों लोग, कृपलानी है, मालकानी है, राजकुमार शुक्ला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है लेकिन 2-4 और वहां पर लॉयर्स हैं, जैसा कि गांधी जी ने पहले से कहा था कि आप कुछ लोगों को बुला करके लाना, और गांधी जी हैं। गांधी जी ने कुछ लोगों से पूछा, कलेक्ट किया हुआ मैटर लिया उन्होंने कृपलानी से, कृपलानी बताया कि हाँ ये सही है, चंपारण में ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं, ये बातें हो रही है। तो गांधी जी ने लॉयर्स को बुलवाया, वहां पे ढेर सारे लॉयर्स आए, और जैसे ही पता चला कि चंपारण के लोगों को कि हमारे मसीहा गांधी जी इस समय मुजफ्फरपुर में है, ढेर सारे लोग अपने अपने साधनों से मुजफ्फरपुर आने लगे, ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारी बातें की गई। पता चला कि किसानों ने बहुत बार वहां के लॉयर्स से बात की लेकिन लॉयर्स ने कहा मैं तुम्हारे केस तब लड़ूंगा जब मुझे पैसे मिलेंगे,
इस बात पर गांधी जी को गुस्सा आती है, वो वहाँ के लॉयर्स को स्कोल करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं कि जब तुम ही जैसे लोग इंडियंस जो हैं इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो देश आज़ाद कैसे होगा। इसलिए परेशानी ये है कि तुम्हें अब समझना चाहिए, अपना एक प्रकार से भूमिका अदा करनी चाहिए और तुम्हें इनका केस लड़ना चाहिए। इस तरीके से वो लोग मान जाते हैं लॉयर्स, बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट करने की बात की जाती है, बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं वो आते हैं, साइन करके जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं ऐसी हैं, तो ढेर सारे लोग साइन करके अपना अपना दे देते हैं गांधी जी को। अब गांधी जी जो होते हैं वो बहुत ऑफिस में, सुपरिटेंडेंट जो वहाँ का पुलिस होता है, बहुत ब्रिटिशर्स के ऑफिस में जाते हैं, सभी लोगों ने उनको भगा दिया, कहा कि तुम बाहरी हो, आउटसाइडर हो, गुजराती हो, तुम्हें तुम्हारा यहाँ का क्या काम है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन गांधी जी ने ये काम करना नहीं छोड़ा, वो बार बार ऐसे जाते रहे। लोगों को लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा कि कोई है जो नाक में दम कर दिया है, इसलिए इनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी हो गया। ये गिरफ्तार किए गए, कोर्ट में लाए गए, वहां ट्रायल चला, गांधी जी किसी तरीके से बिना किसी शर्त के, बिना किसी बेल पर छूट गए, रिहा हो गए, लिबर हो गए। अब गांधी जी जो थे एक तरह से कह सकते हो आप कि वो सिविल डिसओबियंस करना शुरू कर दिए, यानी कि जो वहां पर नियम कानून बनाया गया था ब्रिटिशर्स का वो मानने से वो मना कर दिए, और वो जा जा करके लोगों से मिलने लगे, एविडेंस कलेक्ट करने लगे, बहुत सारी बातें इन्होंने किया। उसी में एक एंड्रयूज नामक अंग्रेज था जो गांधी जी का बड़ा फैन था, उसने गांधी जी से कहा भी कि मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं अगर आप कहें तो, लेकिन गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया उसके अपीलों को और कहा कि अगर अंग्रेज की बात होती, मैं अंग्रेज होता तो तुम्हारी सहायता जरूर लेता, लेकिन मैं एक इंडियन हूं और इंडियन की सहायता कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी सहायता लूंगा तो लोग कहेंगे कि एक इंडियन ने अंग्रेज की सहायता से, यानी कि ये घर का भेदी लंका ढाए वाला काम हो जाएगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं सकता क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूं, इसलिए अगर तुम्हें सहायता करनी है तो तुम उचित तरीके से कर सकते हो। गांधी जी से वो बहुत प्रभावित था, बहुत ही पैसिफिस्टिक इंसान था वो, बहुत ही आप कह सकते हो शांत प्रिय इंसान था वो, नॉर्मली अंग्रेजों की तरह नहीं था वो, तो गांधी जी की वो किसी 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 न किसी तरीके से मदद करता था वो। तो यहाँ गांधी जी जो थे वो फिर से जाने लगे, फिर से ऑफिसर से मिलने लगे और उन्होंने बातें रखी। जब बहुत बार हो गया तो ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। इस बातों को सुनने के लिए गांधी जी फिर से गए, वहां पर गांधी जी ने सारे के सारे रिपोर्ट दिए, ये है ऐसे है, और कहा कि जितने भी अभी तक पैसे इनसे लिए गए हैं वो इनको वापस कर दी जाए। उन लोगों ने टाइम मांगा, गांधी जी ने समय दिया। फिर से कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि गांधी जी फिर गए, उन लोगों ने कहा कि देखिए मैं आपको पूरा नहीं दे सकता, और किसी तरीके से वो लोग 25% पर माने कि 25% ही हम आपको दे सकते हैं जो भी हमने लिया है, तो जो एक बार ले लिया हमने इन लोगों से पैसा वो वापस कैसे करेंगे। फिर भी गांधी जी को 25% दे दी जाती है, गांधी जी मान जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नहीं मानते हैं, और वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब इतनी बड़ी आंदोलन की गई तो फिर 25% पर ही क्यों, और उसके लिए गांधी जी जेल तक जाने वाले थे। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि जब एक बाहरी व्यक्ति जेल जाने के लिए तैयार है तो हम तो यहीं बिहार के हैं, इसलिए इन लोगों ने बहुत सारे प्रयासों के बाद गांधी जी को, गांधी जी एक बार तो और था जेल जाने वाले थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनको एक प्रकार से सपोर्ट दे करके अंग्रेजों को औधे मुंह गिरा दिया, अंग्रेज जो थे वो मान गए 25% पर। तो लोगों ने कहा कि गांधी जी को 25% पर नहीं मानना चाहिए था, उनको 50% पर मानना चाहिए था, या 100 ही कहते क्योंकि हमारा बल था, बाहुबल था, और अंग्रेजों को मानना पड़ता। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये हमारी शुरुआत है, कम से कम पहली बार ऐसा हुआ 1917 में कि अंग्रेज जो थे हमारी बातों को माने, आज 25% दिए हैं, कल 50% देंगे, अगले दिन ऐसा होगा, कभी न कभी ऐसा होगा जब हम ऐसे ही करते रहेंगे अंग्रेज पूरा दे देंगे, पूरा भारत छोड़कर के चले जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे, तो आज कुछ तो मिला हमें। अब राजेंद्र प्रसाद भी खुश थे, गांधी जी भी खुश थे कि इंडियंस को कुछ मिला, यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद अंग्रेजों ने पूरा का पूरा खेती ही दे दिया इंडियंस को, कहा कि ठीक है आप लोगों को जो जोतना है जो बोना है वो बो, इंडिगो कोई बाध्य नहीं रहा, इंडिगो की कोई बाइंडेशन नहीं की गई वहां पर कि इंडियो की इंडिगो की ही खेती की जाए। इस तरीके से गांधी जी का एक प्रकार से संघर्ष है ये चंपारण में। तो गांधी जी कलकत्ता से पटना जाते हैं, पटना से जाते हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर चंपारण जाते हैं, वहाँ के लोगों के को देखते हैं, वहाँ के जिले के लोग जो है वो बड़े ही त्रस्त हैं, वहाँ रहने का खाने का यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान, उनकी बड़ी कमी है वहाँ पे, स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब है वहाँ पे, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो एजुकेशन के नाम पर भी कुछ नहीं है। गांधी जी वहाँ पर 7 महीने रहे और कुछ दिन और भी रहे, यानी कि 1 साल लगभग वहाँ पर रहे। हाँ, इस बीच गांधी जी जो थे वो लोगों से बात करते रहे, जैसे कि अपने आश्रम से दूर रहे तो आश्रम में जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा, उनका छोटा लड़का था देवदास,
इन लोगों से टेलीग्राम से बात करते रहते थे कि क्या है क्या मैटर है, लेकिन गांधी जी चंपारण में 7 महीने से ज्यादा समय दिए और वहां पर उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल बनवाया, कॉलेजेस बनवाए, इंस्टीट्यूट बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, बहुत सारे काम किया गांधी जी ने वहां पर जाकर के। इस तरीके से गांधी जी एक आउट ऑफ स्टेट होकर के भी एक बिहार के लोगों के लिए एक प्रकार से मसीहा का काम किया इन्होंने। और इस तरीके से गांधी जी की एक विजय मानी जाती है, पहली विजय मानी जाती है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बहुत उल्लेख तो नहीं है, लेकिन यह है कि इसी के कारण गांधी जी जो थे इनकरेज हुए और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस तरीके से यह समरी खत्म होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप इस चैनल को, तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।